एवरीवन एनालिटिक फंक्शन फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। यानी कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक कहलाएगा। एफ ऑफ जेड क्या है, जिसमें जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो वेरिएबल का काम कर रहा है। इट मीन्स जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन विच एक्स एंड वाई इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स इज ए रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इज ए इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड। तो ये जो एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक होगा जहां पर जेड की वैल्यू जेड नॉट हो। तो फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इफ, जेड नॉट पर तभी एनालिटिक होगा इफ इट इज डिफरेंशियबल एट जेड नॉट। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये एफ ऑफ जेड जो हो डिफरेंशियबल हो जेड नॉट पर, और जेड नॉट के साथ साथ उसके सारे नेबरहुड पॉइंट्स पर भी डिफरेंशियबल हो। जेड नॉट के सारे नेबरहुड पॉइंट्स पर भी डिफरेंशियबल हो तब हम बोलेंगे वो फंक्शन एनालिटिक है। That is, there exist epsilon greater than zero. If we want to say in epsilon delta definition using epsilon, which is a point and greater than zero, such that when we differentiate f of z with respect to z, and we know जब function f of z जो है वो differentiable at z node पर, तो उसका first derivative exist करेगा। और f of f dash of z निकाला जा सकता है, f dash of z exist करेगा जहाँ पे epsilon greater than zero है, for all जहाँ पे z की value जो है epsilon neighborhood of z node से belong करेगी। कहने का मतलब ये है कि कोई f of z कोई function है वो analytic होगा at z is equal to z node पर, जहाँ पर ये z नोट पर फंक्शन डिफरेंशियबल हो और z नोट पर होने के साथ साथ उसके सारे नेबरहुड पॉइंट्स पर भी डिफरेंशियबल हो। अब नेबरहुड का मतलब क्या होता है, नेबरहुड जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है एप्साइलन, तो एप्साइलन ये कोई डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है z नोट पॉइंट के अराउंड इन ए सर्कुलर, हम एक स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं एप्साइलन, जो हम देखेंगे इस रीजन में जब हम उसको रोटेट करेंगे तो एक सर्कुलर रीजन बनेगा, और उस रीजन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन एफ ऑफ जेड जो होगा वो डिफरेंशियबल होना चाहिए एनालिटिक होने के लिए। और अगर डिफरेंशियबल होना चाहिए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट। और ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है ये एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड नोड बोलते हैं इसको, कि हम कोई जेड नोड का नेबरहुड ले रहे हैं विद डिस्टेंस एप्सिलॉन, तो कोई जेड नोड कोई पॉइंट है जेड नोड और उसके एप्सिलॉन डिस्टेंस पर नेबरहुड ले रहे हैं, और इस चीज़ को हम बोलते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिफरेंशियबिलिटी होती है, नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इज ए पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। अगर हम डिफरेंशियबिलिटी भी की बात करें, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, तो वो होती है पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी, कि किसी एक पॉइंट पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। लेकिन एनालिटिसिटी, व्हाइल एनालिटिसिटी इज ए नेबरहुड बेस्ड प्रॉपर्टी, कि फंक्शन अगर एनालिटिक है एट ए पॉइंट तो इतना इनफ नहीं होता कि वो एनालिटिक है फंक्शन। तो एनालिटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, एनालिटिक होने के लिए उसको पूरे नेबरहुड उस पॉइंट पे होने के साथ साथ उसके नेबरहुड पर भी फंक्शन एनालिटिक हो, तब हम कहेंगे फंक्शन जो है वो एनालिटिक है एट पॉइंट जेड नॉट एंड द रीजन एंड नेबरहुड ऑफ पॉइंट नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जेड नॉट। तो एनालिटिसिटी जो है भाई, एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट इज रिलेटेड टू दैट पॉइंट एंड ऑल पॉइंट्स इन सम नेबरहुड ऑफ इट, तो उस पॉइंट के साथ साथ नेबरहुड पर भी एनालिटिक होना चाहिए। इफ एफ इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट इन ए रीजन कैपिटल आर, अगर कोई फंक्शन एफ जो है वो एनालिटिक है जो रीजन कैपिटल आर है, उस रीजन के हर एक पॉइंट पर, अगर कोई एक फंक्शन एफ एनालिटिक है रीजन कैपिटल आर के हर एक पॉइंट पर, देन वी से दैट एफ इज एनालिटिक ऑन आर, तो हम कहेंगे जो एफ है वो एनालिटिक है आर पर, क्योंकि आर क्या एक रीजन, और उस रीजन के हर एक पॉइंट पर अगर एफ एनालिटिक है तो आर पर वो फंक्शन एनालिटिक है। इसलिए बोल रहे हैं इफ एफ इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट इन ए रीजन कैपिटल आर, देन वी से दैट एफ इज एनालिटिक ऑन आर, अगर एफ एक एनालिटिक है और रीजन आर के हर एक पॉइंट पर, तो एफ जो एनालिटिक होगा ऑन आर पर, क्योंकि एनालिटिक रीजन के ऊपर हो सकता है, नेबरहुड के ऊपर हो सकता है, ऑन ए पॉइंट हम नहीं फाइंड करते। एनालिटिक इज ए रीजन बेस्ड प्रॉपर्टी एंड वी कैन से नेबरहुड बेस्ड प्रॉपर्टी, एंड डिफरेंशियबिलिटी इज ए पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के तौर पे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो जैसा कि हम जानते हैं सीन इन यूनिट वन, दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल ओनली एट जीरो, ये जो फंक्शन है मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर, ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल है सिर्फ जीरो पर। नाउ वेयर एल्स वी कंक्लूड दैट एफ इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल होना चाहिए और एट ए रीजन, किसी एक रीजन पर अगर उसे एनालिटिक होना है तो, एट ए पॉइंट नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं फंक्शन जो है सिर्फ जीरो पर डिफरेंशियबल है, इट मीन्स नाउ वेयर वी कंक्लूड दैट एफ इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, एफ एनालिटिक नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि फंक्शन जो है सिर्फ जीरो पर डिफरेंशियबल है।
नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स आर एनालिटिक एवरीवेयर इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन. कोई फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसके लिए पॉलिनोमियल जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब एनालिटिक होते हैं हर जगह पर, क्योंकि वो डिफरेंशियबल होते हैं एट एवरी पॉइंट पर. इस तरीके से रैशनल फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पी ऑफ जेड अपन में क्यू ऑफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, बट एट पॉइंट वेयर क्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे क्यू ऑफ जेड इक्वल टू जीरो हो रहा हो वहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा. तो कहना मतलब कोई रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन जो क्या होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, तो कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड तो उसे हम पी ऑफ जेड अपन में क्यू ऑफ जेड की फॉर्म में लिख सकते हैं. ए वो एक एनालिटिक होगा हर एक पॉइंट पे इन इट्स डोमेन में, अपने खुद की डोमेन में, एट पॉइंट्स वेयर क्यू ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो. तो जहाँ पर क्यू ऑफ जेड जीरो नहीं है उन सभी जगहों पर फंक्शन एफ ऑफ जेड जो होगा एनालिटिक होगा, और जहाँ पर क्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो वहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा. तो रैशनल फंक्शन के लिए ये बात हो गई. द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो. इस तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई एक वन अपॉन जेड फंक्शन है, वन अपॉन जेड हमने लिया एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड, ये एक एनालिटिक फंक्शन होगा एवरीवेयर हर जगह पर, बस उस जगह पर नहीं होगा जहाँ पर जीरो आ रहा होगा, जेड की वैल्यू जीरो आ रही होगी, क्योंकि एफ ऑफ जेड में एफ ऑफ जीरो रखेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा और फंक्शन एनालिटिक होगा ही नहीं नॉट डिफाइंड पे. इसलिए हम कहते हैं कि ये फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इफ इट इज डिफरेंशियबल एट जेड नॉट. तो ये फंक्शन एफ ऑफ जेड वो एनालिटिक कहलाएगा जेड नॉट पे अगर वो जेड नॉट पे डिफरेंशियबल हो और उसके नेबरहुड जेड नॉट के नेबरहुड पर भी डिफरेंशियबल हो. जहाँ पर नेबरहुड हम ले रहे हैं एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, ठीक है, जेड नॉट कोई एक पॉइंट है उससे एप्सिलॉन डिस्टेंस पर हम नेबरहुड्स ले रहे हैं, जैसे कि डायग्राम में भी दे रखा है कि एप्सिलॉन नेबरहुड पे वो पॉइंट्स ले रहे हैं. इस रीजन के अंदर हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहिए, यानी कि जेड नॉट के साथ साथ उस नेबरहुड के ऊपर भी अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो फंक्शन एनालिटिक है. वी कैन से फंक्शन इज एनालिटिक एट जेड नॉट व्हेन फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट जेड नॉट एंड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट. ये फंक्शन डिफरेंशियबल एट जेड नॉट एंड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, यानी कि फंक्शन जेड नॉट पर भी डिफरेंशियबल है और जेड नॉट के नेबरहुड पर भी डिफरेंशियबल है तो हम कहेंगे फंक्शन एनालिटिक है. फिर हमने एक एग्जांपल लिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर. हमने देखा ये फंक्शन जो है डिफरेंशियबल होता है सिर्फ जीरो पर, उसके नेबरहुड पर नहीं होता, नेबरहुड पर नहीं होता तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, क्योंकि एनालिटिक होने के लिए तो भाई फंक्शन डिफरेंशियबल एट ए पॉइंट भी होना चाहिए और साथ में उसके नेबरहुड पर भी डिफरेंशियबल होना चाहिए. ये शर्त कहती है, डेफिनेशन कहती है एनालिटिक की. जैसे हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देखे कि वो सब जगह एनालिटिक होता है एवरीवेयर, रैशनल फंक्शन देखे क्यू ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशंस में सब जगह पर फंक्शन एनालिटिक होगा, जहाँ क्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाए वहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, नॉट डिफाइंड की कंडीशन आ जाएगी. इट मीन्स फंक्शन वन अपॉन जेड इज नॉट एनालिटिक एट द जेड एट जीरो पर, जेड की वैल्यू जब जीरो हो तब वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा. नेक्स्ट एंटायर फंक्शन. तो एंटायर फंक्शन में क्या एक फंक्शन एफ है विच इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट, और वो एफ जो फंक्शन है वो एनालिटिक है हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, और शर्त होनी चाहिए ऑफ द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए. जैसे कि डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा या अमीबा शेप जो आपको दिखाई दे रही है वो एक फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन है, और उस फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए एफ लिया है और वो एफ एनालिटिक है हर एक पॉइंट पर इस रीजन के अंदर, तो हम कहेंगे ये एंटायर फंक्शन हो गया या रेगुलर फंक्शन हो गया या होलोमॉर्फिक फंक्शन या कुछ भी बोल लो, इसको एंटायर फंक्शन बोल दो, रेगुलर फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन. तो ये जो है जितने भी जो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक अगर है, अगर एफ जो फंक्शन है वो हर एक पॉइंट के लिए एनालिटिक है ऑफ द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो हम कहेंगे वो एंटायर फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है. एग्जांपल के तौर पर पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी हैं वो एंटायर फंक्शंस हैं, सर्कुलर फंक्शन जितने भी वो भी एंटायर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वो भी एंटायर फंक्शंस हैं. तो एंटायर फंक्शंस कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि एंटायर फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन. इट इज़ इंपॉर्टेंट इन दैट डिस्कशन कि फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन होना चाहिए तभी फंक्शन जो होगा एंटायर फंक्शन कहलाएगा एनालिटिक फंक्शन, तभी कोई एनालिटिक फंक्शन एंटायर फंक्शन कहलाएगा. कि कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड यू ओ प्लस आई वी के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम, यानी यू मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वी मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है. तो कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड उसका हम फाइंड करेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, उस एनालिटिक को फाइंड करने के लिए हम एक टेस्ट डेवलप करेंगे एनालिटिसिटी के लिए, टेस्ट फॉर एनालिटिसिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड. यहाँ पे एफ ऑफ जेड जो है वो यू ऑफ एक्स को मवाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स को मवाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो टेस्ट फॉर एनालिटिसिटी में क्या होने वाला है, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे यू और वी अलग अलग सेपरेटली. तो सबसे पहले एक बार यू जो रियल पार्ट ऑफ जेड है उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में,
अब u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x y के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे? क्यों भाई? क्योंकि जब u जो है वो x और y का फंक्शन है, u के अंदर x और y वेरिएबल्स हैं, इसी तरीके से v के अंदर भी x y वेरिएबल्स हैं। u में जो x y वेरिएबल्स हैं, इसलिए जो u है वो एक रियल पार्ट है, v जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इस v का जो कोफिशियंट है वो आयोटा भी है, इसलिए हमने बोला कि u प्लस आयोटा v इज z, जहाँ पे z क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और z का कोई फंक्शन हुआ तो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम f ऑफ z को लिख सकते हैं u ऑफ x y प्लस आयोटा v ऑफ x y, जहाँ पे u x y का फंक्शन है, v भी x y का फंक्शन है, बस ये जो v जो है इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर z का, ठीक। तो अब हम कर रहे हैं टेस्ट फॉर एनालिटिसिटी, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए पार्शली डेरिवेटिव्स करेंगे, पार्शली डेरिवेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, और रियल पार्ट u है, इमेजिनरी पार्ट v है, जैसा कि तो हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड को हम यू प्लस आई वी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिफरेंशिएबल है ये, जैसा कि हम जानते हैं ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट जेड पर, तो जेड पॉइंट पर जब ये डिफरेंशिएबल है दस द फंक्शन यू एंड वी मच सेटिस्फाई अ पेयर इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो यू और वी जो होंगे जब ये डिफरेंशिएबल हैं तो एक इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन, उसको जरूर सेटिस्फाई करेंगे। उस पेयर ऑफ इक्वेशन का नाम क्या है? उसका नाम है कोची रीमान इक्वेशन। तो कोची रीमान इक्वेशन में क्या होता है कि u का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, v का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों की वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। फिर दूसरी क्या होती है कोची रीमान इक्वेशन की, u का डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू y और v का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो माइनस के, अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x के होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अगर इक्वल हो गई, पहली तो डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y, और एक है डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स, अगर ये हो जाए तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, क्योंकि उन्हें कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर ली। अब साथ ही साथ फंक्शन एनालिटिक है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करी है फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए एट पॉइंट जेड पर, जिस पॉइंट के आधार पर हम उस फंक्शन को एनालिटिक बता रहे हैं, क्योंकि फंक्शन तो एनालिटिक तब होगा ना किसी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग। अगर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो एक पॉइंट पर, वो पॉइंट हम लेट सपोज जेड मान लेते हैं, तो जेड नॉट की जगह जेड भी मान लें हम, तो जेड पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसके नेबरहुड पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एनालिटिक फंक्शन की ये एनालिटिसिटी की एक पहली कंडीशन थी, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट जेड नॉट एंड द नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर हम z ले रहे हैं तो z पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और z के नेबरहुड पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसी तरीके से कोची रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। कोची रीमान इक्वेशन क्या होता है? u को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, v को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों के वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से u को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y और v को डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये माइनस टाइम्स में इक्वल होने चाहिए। तो ये चीज़ बराबर अगर हुई तो हम बोलेंगे फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, अदरवाइज अगर इसमें कोई भी कंडीशन अगर डिससेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो जो z है इसके अंदर u और v जो है वो सेटिस्फाई करने चाहिए, मस्ट सेटिस्फाई द पेयर ऑफ इक्वेशंस दैट कनेक्ट देयर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जहां पर फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल तो हो गई होगा, क्योंकि ये बात तो पहले से ही कही गई है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट z नॉट पर। एंड इस इक्वेशन को वी ड्राइव कोची रीमान इक्वेशन, वी ड्राइव कोची रीमान इक्वेशन इन द फॉलोइंग, जहाँ पे कोची रीमान इक्वेशन में दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और दूसरी कंडीशन होती है डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। इन दोनों इक्वेशंस को, इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम कोची रीमान इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पे यू जो है वो रियल पार्ट ऑफ जेड है और वी जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, यू प्लस आई वी जो है वो टोटल मिलाकर एफ ऑफ जेड है, ठीक है। तो अब ये बोल दिया हमने दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है वो यू प्लस आई वी है, यू प्लस आई वी को हम यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं, और ये फंक्शन एनालिटिक होगा इन द रीजन आर के, और रीजन आर के एनालिटिक कहने का मतलब ये होता है कि उसे कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। देन द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड वी ऑफ एक्स कॉमा वाई एग्जिस्ट,
यू ऑफ एक्स वाई और वी ऑफ एक्स वाई का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये जो कंडीशंस हैं, दो कंडीशन, पहली कंडीशन होती है हमारी ये वाली, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये दूसरी कंडीशन। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है वो एनालिटिक है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए एट पॉइंट जेड नोट पर। तो दो चीज़ें होनी चाहिए, पहली तो फंक्शन कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करे और दूसरी चीज़ फंक्शन डेरिवेटिव हो एट पॉइंट जेड नोट पर। अब हम इसकी प्रूफ की बात कर लेते हैं। किस चीज़ की प्रूफ की बात कर रहे हैं कि एक फंक्शन है यू प्लस आई वी और वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यू और वी के एग्जिस्ट करते हैं उसके, और ये सेटिस्फाई करेगा। ये सेटिस्फेक्शन के लिए हम थ्योरम कर रहे हैं, ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी इसके अंदर। तो प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में क्या है, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन आर, जैसा कि हमें गिवन दे रखे कि एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक है रीजन आर के लिए। रीजन आर क्या है, रीजन आर जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो है वो रीजन आर है। इस रीजन आर के अंदर कोई भी पॉइंट अगर मैं जेड ले लूँ उसके नेबरहुड पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक होगा, और कहा जा रहा है कि इस रीजन के हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक होगा। फंक्शन एनालिटिक होगा मतलब कि कोई भी एक पॉइंट अगर मैं इस रीजन के अंदर लूँ तो उस पॉइंट के नेबरहुड पर भी फंक्शन एनालिटिक होगा, तभी मैं बोलूँगा फंक्शन इस कैपिटल आर रीजन में एनालिटिक होगा, क्योंकि कैपिटल आर के हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है, क्योंकि एनालिटिक इज ए नेबरहुड प्रॉपर्टी। तो वी कैन से एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन आर, हम कहेंगे फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड वो एनालिटिक है आर में। क्यों, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है रीजन के हर एक पॉइंट के लिए, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है हर एक पॉइंट के नेबरहुड के लिए। तो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो इट मीन्स फंक्शन डिफरेंशियबल भी है, क्योंकि हमने एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, फंक्शन शुड बी डिफरेंशियबल एट द पॉइंट जेड नॉट एंड द नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, देन वी कैन से फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट जेड नॉट, फंक्शन इज एनालिटिक एट जेड नॉट एंड एंड इट्स नेबरहुड। देयर फोर द लिमिट, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल वी कैन राइट लिमिट जेड डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल जेड, ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये अगर अगर निकल आती है तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल हो गया एट जेड नॉट पर। ये चीज़ जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए अगर फंक्शन एनालिटिक है तो, क्योंकि ये चीज़ गिवन दे रखी है फंक्शन डिफरेंशियबल इन आर इफ फंक्शन इज एनालिटिक। अगर एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक तो फंक्शन डिफरेंशियबल होगा इन आर में, और आर में जब डिफरेंशियबल होगा तो ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी और ये चीज़ एग्जिस्ट होगी। सो इंडिपेंडेंट ऑफ मैनर, इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच डेल जेड और डेल एक्स डेल वाई, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि डेल जेड का मतलब क्या होता है, डेल जेड का मतलब होता है डेल एक्स प्लस डेल वाई आई, ऐसे लिखेंगे हम। तो अप्रोच इज जीरो, डेल जेड जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो डेल जेड में जेड, जैसा कि जेड में ही एक्स प्लस आई वी है, जेड का ही मतलब होता है एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं उसमें। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर एक्स रियल पार्ट ऑफ जेड है, वाई जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो एक्स और वाई है, अगर डेल जेड है तो डेल एक्स और डेल वाई है, ठीक है। तो इसलिए अगर डेल जेड टेंड्स टू जीरो है तो हम लिख सकते हैं कि डेल एक्स टेंड टू जीरो है, डेल वाई टेंड टू जीरो है। इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल यही चीज़ हम उतार देंगे, ये z की फॉर्म में है तो इसे लिखेंगे x और y की टर्म्स में। तो वो कैसे लिखा है, ये बिल्कुल एज इट इज़ जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये z प्लस डेल z है तो z की जगह पर लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और डेल z की जगह पर लिख सकते हैं डेल x प्लस डेल डेल वाई आई आयोटा डेल वाई। तो इस वाली टर्म को, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, इसको हम लिख सकते हैं ये इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि अब जेड को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई और डेल जेड को लिख सकते हैं डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, और इन दोनों का एडिशन हो रहा है तो ये हो जाता है एक्स प्लस डेल एक्स और ये हो जाता है वाई प्लस डेल वाई। ये यू की टर्म्स में हो गया, रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट अलग ले लिया एक्स प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई, तो ये इंटू में वी ऑफ निकला है। और ये वाली टर्म जो है माइनस में एफ ऑफ जेड, ये चीज़ आती है ये वाली। तो जेड का मतलब ही होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड की जगह लिख देंगे यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कोमा वाई, जहाँ पर माइनस बाहर था ही था तो वो वैसे का वैसे लिख दिया। और नीचे डेल जेड है तो इसके जगह लिख सकते हैं डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, और जो लिमिट है लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो है, तो डेल जेड टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि डेल एक्स टेंड्स टू जीरो ऑल्सो डेल वाई टेंड्स टू जीरो। तो ये पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो एक्स और वाई की टर्म्स में ऐसे बदल जाएगी, ठीक। एक बार और सोच लीजिएगा समझ में ना आया हो तो।
और ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, पाथ के इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ मतलब कि अलोंग द किसी भी पाथ के ले लो, जो वैल्यूज आने वाली हैं वो सेम आने वाली हैं। जैसे कि हम मल्टीवेरिएट कैलकुलस एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वहाँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स लिखते थे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स के टर्म्स में हम देखते थे, वाई इज इक्वल टू टू एक्स के टर्म्स में देखते थे, और देखते थे कि क्या फंक्शन एम के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर फंक्शन एम के ऊपर डिपेंडेंट हुआ तो हम बोलते कि फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एम एंड द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर फंक्शन एम के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है तो हमने कह दिया फंक्शन डिपेंड नहीं करता एम के ऊपर, इट मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये चीज़ होती थी। तो हम अलोंग द किसी पाथ के अगर हम ले लें तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। वी कंसिडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड पाथ, तो हम पाथ पे किसी भी ले लें तो हम कुछ स्टैंडर्ड पाथ को फॉलो करके देख लेते हैं। भाई पहला था अलोंग ए पाथ पैरेलल टू रियल एक्सिस, तो एक ऐसा पाथ ले लिया, मतलब कि कोई ऐसा पाथ ले लिया अलोंग द पैरेलल टू रियल एक्सिस। रियल एक्सिस मीन्स कि कोई एक्स एक्सिस है, उसके पैरेलल कोई एक लाइन ले ली, वो पाथ ले लिया हमने, और उसके अलोंग चेक कर रहे हैं अलोंग द पाथ ऑफ रियल एक्सिस विच इज़ पैरेलल टू रियल एक्सिस, इन विच केस डेल वाई विल बी जीरो। तो यहाँ पर डेल वाई जो है वो जीरो हो जाएगा, डेल एक्स जो होगा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब जब डेल वाई जो है वो जीरो हो जाएगा तो इन सभी टर्म्स में जितना जहाँ जहाँ पे भी डेल वाई होगा वहाँ पर हम बोल देंगे जीरो। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है लिमिट में ये डेल वाई टेंड्स टू जीरो, तो ये पूरा खारिज हो जाएगी बात। यहाँ पे डेल वाई यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ डेल वाई यहाँ पे भी जीरो लिख देंगे, यहाँ अगर डेल वाई है तो यहाँ पे भी जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ डेल वाई वहाँ वहाँ जीरो हो जाएगा, वहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाता कहीं पर भी कुछ भी, तो वो जीरो बन जाएगा। तो बस करना क्या है, जैसे कि डेल एक्स टेंड्स टू जीरो बचेगा यहाँ पर, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई टेंड्स टू जीरो था वो ख़त्म हो गया। इस तरीके से यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स था तो ये तो चल गई बात कहानी, और फिर उसके बाद कहूँगा वाई प्लस डेल वाई था तो डेल वाई की जगह पे जीरो लिख दिया तो सिर्फ वाई बचा। इस तरीके से आयोटा वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स तो ठीक है, लेकिन वाई प्लस डेल वाई में डेल वाई की जगह जीरो, तो वाई प्लस जीरो नथिंग इज वाई। ओके इस तरीके से माइनस में यू ऑफ एक्स को मोबाई, इस तरीके से प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स को मोबाई, यहाँ पे नीचे था डेल एक्स प्लस डेल वाई तो वहाँ डेल वाई की जगह पे जीरो तो डेल एक्स प्लस जीरो इट मीन डेल एक्स। और ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी अलोंग द पाथ विच इज़ पैरेलल टू रियल एक्सिस, क्योंकि ये पैरेलल टू रियल एक्सिस ले रहे हैं और जो डेल वाई है वो जीरो होगा इस कंडीशन में। दिस कैन बी रिटन एज अ लिमिट, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में डेल एक्स प्लस आयोटा में वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस वी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में डेल एक्स। तो ये चीज़ हमने डिवाइड कर ली है, डेल एक्स एक बार तो इसके नीचे आ जाएगा और एक बार डेल एक्स इसके नीचे आ जाएगा बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिकल रूल्स। तो जैसा कि हमने इसको ब्रेक किया, अब इसको ब्रेक किया इस चीज़ में, और अब की बात जो लिमिट है वो लिमिट भी ब्रेक हो जाएगी। एक बार इसके लिए यूज़ कर सकते हैं लिमिट एक्स डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, और एक बार लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं सेपरेटली। ये हमने सिंपल रूल्स पढ़े हैं, इस चीज़ को तो कोई बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं। तो ये हो जाती है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस में यू ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में डेल एक्स। इस तरीके से लिमिट इस तरफ डिवाइड हो जाती है, लिमिट आयोटा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस वी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में डेल एक्स। एंड दिस इज, ये क्या है, ये है पार्शियली डेरिवेशन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी जगह लिख दिया डेल यू बाई डेल एक्स। ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी जगह पर लिख दिया ये डेल वी बाई डेल एक्स। और आयोटा जो था आयोटा का आयोटा लिख दिया यहाँ पर। एक बार सोच के देखिए इसका क्या मतलब, इसका मतलब है डेल वी बाय डेल एक्स, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है डेल यू बाय डेल एक्स। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि ये इतनी छोटी सी चीज लिखी है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम करेंगे तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई बाई टर्म्स वाली जो है वो टर्म्स वो जीरो हो जाएंगी। तो ये वाई एफ एक्स लिख सकते हैं जो कि डेल एफ बाई डेल एक्स लिख सकते हैं जो कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में एच। तो ये चीज़ होती है, वो चीज़ यहाँ पे आ गई है। और एच क्या है, एक डिफरेंस होता है एक्स माइनस एक्स नोट के बीच का, तो वो डेल एक्स है। तो ये चीज़ सिंपल है बिल्कुल, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जब एफ ऑफ एक्स को वाई को जब डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ये चीज़ बनेगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई
माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में एच। इस तरीके से एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो डेल एफ अपॉन में डेल एफ डेल वाई बनेगा लिमिट के टेंस टू जीरो अपॉन लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में के। तो सिंपली ये हो गया कि ये चीज़ हो गई डेल यू बाई डेल एक्स, ये हो गई डेल वी बाई डेल वाई, वही चीज़ लिख दी नीचे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल वाई। तो अलोंग द पाथ जब हमने लिया पैरेलल टू रियल एक्सिस के तो बात तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल वाई आई। अब हम नेक्स्ट वी कंसिडर द लिमिट इन सेकेंड अलोंग द अनदर पाथ, तो हम क्या तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम अनदर पाथ लेते हैं पाथ पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस, इन विच केस डेल एक्स विल बी जीरो। जब इमेजिनरी एक्सिस लेंगे तो डेल एक्स के जो पैर डेल एक्स जो होगा वो जीरो बन जाएगा, तो जहाँ जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ वहाँ पे जीरो कर देंगे हम, वी विल हैव दैट द लिमिट। तो लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो बचेगा, यहाँ पे था यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स तो डेल एक्स जीरो हो गया तो यू ऑफ एक्स बचा सिर्फ यू ऑफ एक्स में वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स में वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स में वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स में वाई अपॉन में डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई था, तो डेल एक्स जीरो कर दिया तो बचा गया आयोटा डेल वाई। और ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, ये बात एग्जिस्ट करेगी, ये गिवन है, दिस कैन बी रिटर्न एज अ लिमिट। तो हम ऐसे लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं, आयोटा डेल वाई एक बार जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, आयोटा डेल वाई दूसरी बार जो इसके नीचे आ जाएगा, बाय यूजिंग सिंपल रूल्स का यूज़ करके हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वही लिखा हमने कि एक बार जो है इसके नीचे ले लिया इसको यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में आयोटा डेल वाई, और एक बार है यू ऑफ वी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में आयोटा डेल वाई। तो ये डायग्राम होगी पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस के, यहाँ पर डेल एक्स जो है वो जीरो हो जाता है, डेल वाई जो है वो रह जाता है, डेल वाई टेंडिंग टू जीरो रह जाएगा। अब जो है वो लिमिट पूरे होल के साथ लग रही है, जैसा दिखाई दे रहा है पूरे होल के साथ एक ही लिमिट लग रही है, लिमिट वाई डेल वाई टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो ये लिमिट भी ऐसे करके ब्रेक की जा सकती है कि एक बार लिमिट जो है वो इसके साथ लग जाएगी, फिर एक बार लिमिट इसके साथ लग जाएगी, अलग अलग लगा सकते हैं हम यहाँ पर। तो अब पहले एक और चीज़ तो यहाँ पर ये रही कि इस आयोटा से ये आयोटा गया तो बचा वी ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल वाई, और लिमिट जो है वो अंदर आकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बचता है यहाँ इस वाले हिस्से में यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में आयोटा डेल वाई। तो इस चीज़ से आ जाती है राइट वाली चीज़ से, लेफ्ट वाली चीज़ से ये वाली चीज़, माइनस में आयोटा लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो यू ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस में यू ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में डेल वाई, आयोटा लिमिट से बाहर ले लिया। लिमिट राइट साइड में दिखाई दे रही है लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो वी ऑफ एक्स कोमा डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल वाई, ये चीज़ है वो हो गई डेल वी बाई डेल वाई। इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। और ये राइट साइड में आपको जो दिखाई लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रही है ये वाली चीज़ लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल वाई, तो ये इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, और आयोटा का आयोटा माइनस आयोटा का माइनस आयोटा बता दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से हमने लिख दी, ये पूरा हिस्सा जो है यू एंड वी की टर्म्स में लिख दिया कि माइनस में आयोटा डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई। नाउ एफ ऑफ जेड कांट बी पॉसिबल एनालिटिक अनलेस द टू लिमिट्स इन सेकेंड एंड थर्ड आर सेम दस वी मस्ट। तो यहाँ पे कहा क्या है, यहाँ पे कहा है कि ये एफ ऑफ जेड ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो एनालिटिक हो और सेकेंड थर्ड जो अलोंग सेकेंड जो हमने लिया अलोंग द पाथ ऑफ पैरेलल टू द रियल एक्सिस एंड दूसरा लिया अलोंग द पाथ पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस, तो दोनों जगहों पर जो हमने पाथ लिया है अगर वो पाथ डिपेंडेंट है तब तो इनकी लिमिट्स इक्वल नहीं होंगी, और पाथ डिपेंडेंट होगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, फंक्शन एनालिटिक है, तो हमने कह दिया कि फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब होता है कि वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, हम कोई सा भी पाथ ले लें जो लिमिट है वो बराबर ही आएंगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो इक्वल होगी, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा।
तो फंक्शन इफ इज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कांट बी पॉसिबल दैट फंक्शन इज एनालिटिक और दोनों वैल्यूज जो है लिमिट की सेकंड और थर्ड में जो हमने निकाली वो इक्वल ना हो। तो फंक्शन जो भाई अगर एनालिटिक है तो वो तो इक्वल होनी ही होनी है, इसलिए हम सेकंड और थर्ड को सेम बोलेंगे क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है, वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है एफ ऑफ जेड, फंक्शन इज एनालिटिक, देयरफॉर द टू लिमिट सेकंड एंड थर्ड आर सेम, एंड देन वी कैन से वी कैन राइट सेकेंड और थर्ड आर इक्वल। तो हमने इक्वल के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे सेकेंड था डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, और जो थर्ड थी वो थी माइनस में आयोटा डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई। तो इन दोनों को इक्वल किया। तो जब भी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा है ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर ये दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब ये कि दोनों के जो रियल पार्ट है ए बराबर एक्स होगा b बराबर y होगा, ठीक है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब उसके रियल पार्ट्स और इसके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। ये हमने सबसे बेसिक जो वीडियोस सबसे पहले देखी थी पार्ट फर्स्ट सेकंड में, वहाँ देखा था कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इट मीन्स उसके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और उसके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि कोई भी ये दोनों चीज़ें अगर इक्वल हैं, कोई एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी है, तो इसके जो रियल पार्ट हैं वो इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी इक्वल होंगे। तो ऑन कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट जो रियल पार्ट है डेल यू बाई डेल एक्स वो इक्वल होगा रियल पार्ट डेल वी बाई डेल वाई के। तो हमने लिख दिया डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस में डेल यू बाई डेल वाई, तो ये लिखा है यहाँ पर आगे इस जगह पर लिखा हुआ है डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स, और डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। तो ये हो गए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल, क्योंकि दोनों की जो लिमिट्स हैं वो भी इक्वल होंगी। ये दोनों लिमिट्स क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशियबल है, फंक्शन एनालिटिक है, इसीलिए ये दोनों वैल्यूज दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी। दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी तो लिमिट्स इक्वल होने का मतलब क्या होता है, जो रियल पार्ट है वो इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल होगा। जब रियल पार्ट इक्वल होगा तो एक कंडीशन बनेगी, और जब इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा तो दूसरी कंडीशन बनेगी, और इन दोनों कंडीशंस को ही बोलते हैं कोची रीमान इक्वेशंस। अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम बोलेंगे कोची रीमान इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एंड फंक्शन शुड बी डिफरेंशियबल। फंक्शन डिफरेंशियबल हो तो हम बोलेंगे फंक्शन इज एनालिटिक। तो हमें पहली इक्वेशन जो हमने सबसे पहले शर्त के तौर पे लिखी थी डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आर सेड, ये चीज़ हमें मिल गई, ये मिल गई प्रूफ के अंदर। प्रूफ में यही तो चाहिए थी हमें, और वो चीज़ मिल गई इन दी प्रूफ, तो वो हमने हासिल कर ली अलॉन्ग द फर्स्ट और सेकेंड, इस तरीके से कर करके फाइनली हमारे पास वो चीज़ मिल गई और हमने बोल दी कंडीशन इज सेटिस्फाई विच आर इक्वेशन फर्स्ट, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है ये। तो रिमार्क क्या होता है, यहाँ पे प्रूफ कंप्लीट हो जाता है, ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है कि कोची रीमान इक्वेशन कैसे आई जब फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। तो रिमार्क ये है कि इक्वेशन वन, जो इक्वेशन वन है वो भाई कोची रीमान इक्वेशन है। इक्वेशन वन को हम कोची रीमान इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन वन क्या है, इक्वेशन वन है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, ये है डेल वी बाई डेल एक्स। तो ये हो गई कोची रीमान इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम कोची रीमान इक्वेशन कहेंगे। दीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशियबिलिटी, ये जो है नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशियबिलिटी की, एनालिटिसिटी की ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड फंक्शन के लिए। तो हमें कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है ये चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, वी को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के, दोनों वो जो वैल्यूज हैं वो इक्वल आएंगे तो हम बोलेंगे पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। और फिर उसके बाद यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के, वी को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो जो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स डेल वाई ये आ जाएगी, तो हम बोल देंगे जो कोची रीमान इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई, फंक्शन जो है एनालिटिक हो गया। देन कोची रीमान इक्वेशन होल्ड बट नॉट कन्वर्सली विच कैन बी जस्टिफाइड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। तो यहाँ पे कहा गया कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी करेगी, लेकिन इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर कोई कोची रीमान इक्वेशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एनालिटिक होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा सवाल आ जाता है, ये इस सवाल के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो वो कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा करेगा, इस चीज़ की गारंटी है लिख करके। लेकिन कोई फंक्शन है कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन एनालिटिक है।
इस सवाल का जवाब यह है कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।